अब खबर राजधानी देहरादून के विकास नगर से है, जहां गढ़वाल मंडल विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष और जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रदेश में बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी को लेकर विकास नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी को जनता को लूटने का फरमान बताया। दरअसल उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली की दरों में 6.92% बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही फिक्स चार्ज में भी बढ़ोतरी की गई है, जिसको लेकर जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने संबंधित विभाग में बड़े भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाते हुए कहा कि जनसंघर्ष मोर्चा बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ जनता के लिए संघर्ष करेगा। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। सरकार ने बिजली के दामों में भारी बढ़ोतरी की है, एक तरह से जनता का दम निकालने की तैयारी सरकार की है। जनता को लूटने का काम जो सरकार ने कर रखा है वो जनसंघर्ष मोर्चा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करे। अरे आप अपनी कमी का जो खामियाजा है, जो अपनी कमियां है, उसका ठीकरा जनता के सिर पर फोड़ना चाहते हैं आप। जनसंघर्ष मोर्चा लगातार कई साल से मुखर इस बात को लेकर की जो लाइन लॉस है एटीएनसी आनी है उसको कम क्यों नहीं कर रहे आप। 1100 करोड़ रुपए की बिजली आप बाहर से खरीदते और उतना ही हमारा लगभग लाइन लॉस हो रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा खेल है, उसको समझने की जरूरत है यार। एटीएनसी आने तमाम डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, इसमें सरकार का जो अधिकारी है इनकी मिली भगत, और इसका पुष्ट प्रमाण अभी आप देख सकते हैं 1.5 महीने पहले एक्शन और एससी में जो वार्ता हुई है, जो उसमें सिर्फ फुटबॉल होने को था, उसमें सब विद्युत चोरी को लेकर के, एक कह रहा है चोरी करेंगे, एक कह रहा है रुपाने की बात कर रहा है, तो उसमें बहुत बड़ा गेम जो है, ये हमें 1000 करोड़ रुपए के करीब जो लॉस हो रहा है ये सब सरकार की नाकामी है। सरकार बिल्कुल इसमें फेल हो चुकी है, राजभवन हाथ में हाथ धरे बैठा है, विद्युत नियामक आयोग का कोई काम नहीं है, सिर्फ दाम बढ़ाने की वो संस्तुति करता है।